यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े यूट्यूबर है जो वीडियो छोड़ते हैं, कुछ अजीब तरह का वीडियो छोड़ते हैं, जैसे कि वो इनो वाला वीडियो, इनो खा लो, या फिर जो तकिया के नीचे 5 रुपए का सिक्का रख लो, या फिर वो जो बहुत सारे लिंबू निचोड़ने का। ओके सो गाइस वाचिंग टेकोरिका, दोस्तों मैं हूँ देव। तो भैया यहाँ पर सीन ये है कि यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, और हो सकता है मैं भी जो आप थोड़ा परेशान में हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली यूट्यूब रिलेटेड वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बट मैं स्टिल ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मुझे लगा कि यार आप में से बहुत सारे लोग मैं भी परेशान में होंगे, तो यार आपको बताया जाए थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में। देखो भाई यहाँ पर क्या अपडेट आया, दोज वीडियोज विच आर नॉट कमर्शियली वायबल फॉर अस, बस इसको ही लेकर आप परेशान में हो ना, टेंशन मत लो। यहां पर YouTube क्या बोल रहा है कि वो जो वीडियोज है जिससे हमको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको कुछ इनकम नहीं हो रहा है, यहां पर क्लियरली वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो वीडियोज है उससे जो एड चलता है, मतलब ये एडसेंस की बात यहां पर सीधी बात हो रहा है, ठीक है, एडसेंस, तो एडसेंस से जो रेवेन्यू आपको मिलता है, मतलब आपको जैसे कि पता होगा एडसेंस से आप जो भी इनकम करते हो उससे 45% या फिर 40% समथिंग YouTube रखता है, ठीक है, अगर वो जनरेट नहीं हो पा रहा है सही सही से, तो YouTube को यहां पर बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब उनको चाहिए, यहां पर उनको पैसा चाहिए, ठीक है, इसीलिए YouTube बोल रहा है अगर आपके वीडियो से कुछ मनी इनकम नहीं हो पा रहा है तो क्या है, उस चैनल को हम डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना YouTube, तो आप टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर ये सबके लिए नहीं है, देखो भाई अब तक तो आप जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी जो काफ़ी सारे बातें सुने होंगे, और मैं भी आप थोड़ा डिप्रेस में आ गए होंगे, राइट। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट आपको बात बता रहा हूँ, जैसे कि मिस्टर संदीप माहेश्वरी का उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, राइट, वो मोनेटाइज नहीं किए उनके चैनल पर, लेकिन जो व्यूज आती है मिलियन पे व्यूज आती है, ठीक है, वहाँ से तो एडसेंस नहीं है, मतलब वहाँ से तो इनकम कुछ नहीं होता है, वहाँ पर एडसेंस एनेबल नहीं है, ऐड नहीं चलता है, तो यूट्यूब को कुछ भी वहां से इनकम नहीं हो रहा है, तो क्या यूट्यूब उनका चैनल डिलीट कर देंगे? अब बोलो, ऐसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर एडवर्टाइजमेंट जो एडसेंस एनेबल तक नहीं किया वो लोग, ठीक है, बिल गेट्स का मान लीजिए, मिस्टर बिल गेट्स, उनका चैनल पे भी मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं है, एडसेंस एनेबल नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, तो उनका भी चैनल क्या यूट्यूब डिलीट कर देंगे? देखो यहाँ पर यूट्यूब पूरा क्लियर कर दिया कि ये जो चैनल टर्मिनेट करेंगे ना ये हमारे ऊपर है, ये ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें लगेगा कि आपके चैनल में ऐसे कुछ जो कॉन्टेंट है जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है या फिर वहां पर जो कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है तो हम डिलीट कर देंगे आपके चैनल। देखो अभी मैं आपको बताता हूं, सिर्फ आपको बताता हूं आप क्या करें, अभी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, मे बी बहुत सारे लोगों का जो चैनल्स हो सकता है उनका जो मोनेटाइजेशन अभी तक एनेबल नहीं हुआ, मतलब सपोज 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ होगा, 4000 और जो वॉच टाइम नहीं हुआ होगा, तो आप परेशान मत हो यार, अगर नया चैनल है तो वर्क करो, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, ठीक है, अगर आप चाहते हो यूट्यूब में लॉन्ग टाइम रहने के लिए, यहाँ पर एक जो अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हो आप, तो यार अच्छा कंटेंट बनाओ, पहले अपना खुद का कंटेंट बनाओ, किसी का कॉपी जहाँ तक मत करो, और यहाँ पर एक बात याद रखो, ज़्यादातर जो रोस्टिंग चैनल है ना वो रोस्टिंग चैनल पर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, जो ज़्यादा बड़े लेवल में उनके बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, अगर आप जो एकदम बेस लेवल पे हो, ठीक है, नया चैनल खोले हो, तो किसी को रोस्ट रोस्ट मत करो, आराम से खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाओ कुछ भी टॉपिक पे, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ यार, आप टेंशन मत लो, अगर आपका मोनेटाइजेशन अभी अभी रिसेंटली एनेबल हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डिप्रेस में आना जरूरत नहीं है, और हो सकता है अगर यार आप टेंशन लोगे तो मेरा भी चैनल डिलीट हो सकता है, अब उनका क्या है, ज्यादा नहीं हुआ ना, 10,000 भी सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुआ तो डिलीट कर देगा यूट्यूब, कितना ज्यादा होता है एडसेंस से, ज्यादा इनकम नहीं होता यहां पर, तो क्या डिलीट कर देगा यूट्यूब? देखो भाई यहां पर लास्ट में बस एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं भी आप सोच रहे होंगे यार यूट्यूब सपोज मान लीजिए टर्मिनेट करेगा, आई मीन डिलीट करेगा चैनल, तो क्यों करेगा? सपोज मान लीजिए एक चैनल में जो वीडियो आता है वो सही रहता है, बिल्कुल यूट्यूब का गाइडलाइन को सारे कुछ फॉलो करते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, फिर भी यूट्यूब क्यों डिलीट करेगा? बात देखो बड़ी सिंपल है, यहां पर आप तो वीडियो फ्री में छोड़ते हो, यहां पर आपको कुछ मनी नहीं देना पड़ता है, मानता हूं आप जो रिचार्ज कराते हो इंटरनेट, लेकिन यूट्यूब का जो सर्वर है वहाँ पर जो वीडियोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी वो सिर्फ ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता, वो जो आप वीडियो छोड़ते हो अपलोड होता है उनका सर्वर में, वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनको एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, आपके चैनल के लिए एक सेपरेट बंदा रहता है, वो देखते हैं आप क्या वीडियो छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो, तो वहाँ से अगर कुछ बेनिफिट निकल नहीं रहा है, कुछ मनी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यूट्यूब थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो रहा है, वो डिलीट कर देंगे, हम चैनल ही डिलीट कर देंगे अगर लॉन्ग टाइम से मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस है कि बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल रहता है उनमें जो वीडियो रहता है ना वहाँ पर बहुत ज्यादा व्यूज आता है, नो डाउट, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी है, लेकिन वहां पे ऐड नहीं चलता, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग करते हैं नॉर्मली क्या है कि उनका सपोज मान लीजिए कुछ बिजनेस चल रहा हो, ऑफलाइन में कुछ स्टोर हो, तो वो सारे चीज वो लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखोगे ना तो उनका सिर्फ बेनिफिट होता है, यहां पर यूट्यूब को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन यूट्यूब खामोखाम उनका वीडियो को जो अपने सर्वर में रख रहा है, उनको मैनेजमेंट कर रहा है, एम्प्लॉई हायर कर रहा है, तो उनको थोड़ा लॉस जा रहा है, यूट्यूब ऐसे ही बहुत सारा फाइन दे चुका है, इसीलिए यूट्यूब ये जो अपडेट लाया है मे बी वो जो 10 दिसंबर से ये लागू होने
वाला है, ओके। तो यार आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बस एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वीडियो बनाओ और कुछ भी ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से वीडियो बनाओ, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े यूट्यूबर है जो वीडियो छोड़ते हैं, कुछ अजीब तरह का वीडियो छोड़ते हैं, जैसे कि वो इनो वाला वीडियो, इनो खा लो, या फिर जो तकिया के नीचे 5 रुपये का सिक्का रख लो, या फिर वो जो बहुत सारा लीबू निचोड़ने का वीडियो, बहुत सारा टेढ़े मेढ़े वीडियो रहता है, ठीक है, मे बी उनके ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है। अभी भी क्लियरली यूट्यूब ये नहीं बोला कि हम डिलीट कर देंगे, कर सकते हैं ऐसा कुछ बोले, ठीक है, अभी तक बहुत सारे अपडेट आने के लिए बाकी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से बिंदास वीडियो बनाओ। जी हाँ, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आ रहा है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ यार बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कुछ भी वीडियो भाई अपलोड करे। अभी के लिए इतना यार, इतना सारे टाइम निकाल के आप हमारे वीडियो देखे उसके लिए यार थैंक यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, दैट्स इट नाउ फॉर दिस मोमेंट, दिस इज देव साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड बाय।